स्टूडेंट्स, आज से हम बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको बताया जाएगा, बिजनेस स्टडी के अंतर्गत मैंने आपको सिलेबस बताया था कि आपने बिजनेस स्टडी के अंतर्गत बिजनेस की स्थापना कैसे की जाती है, कितने प्रारूपों में बिजनेस किया जाता है। लेकिन बिजनेस को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको भूमिका बताना चाहूँगा कि मनुष्य होता है, मनुष्य कई प्रकार की क्रियाएँ करता है, और जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो जो मनुष्य की ह्यूमन बीइंग होता है उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, दे आर कॉल्ड नीड्स। कौन कौन सी आवश्यकता होती है आपको पता है? कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, और बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं जो एक मनुष्य सुबह से शाम तक करता है। अब देयर डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर, इच्छा और आवश्यकता के में अंतर है। आवश्यकता है हमारा, जैसे भूख लगती है हम पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, तो दैट इज अवर नीड। अब खाना खाने के लिए किसी की इच्छा होती है कि वो इडली, सांभा, डोसा या कोई दूसरी मटन चिकन खाना चाहता है, कुछ सिंपल चावल दाल कढ़ी खाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएँ होती हैं, और वैसे ही रहने के लिए हमें मकान चाहिए। अब सबके अपने अपने स्रोत होते हैं, उसके हिसाब से वो अपने अपने मकान का निर्माण करता है। कोई झोंपड़ी पट्टी बनाता है, कोई कच्चा मकान बनाता है, कोई पक्का मकान बनाता है, कोई शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, तो उनकी इच्छा अनुसार होता है। तो आवश्यकता और इच्छा में अंतर होता है, लेकिन हमें अपनी सबसे पहले हमें आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, और आवश्यकताएँ अलग अलग हो सकती है, हर एक आदमी की अपनी अपनी आवश्यकता हो सकती है। तो ह्यूमन बींग होता है, ह्यूमन बींग की कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य जो भी काम करता है उसको ह्यूमन एक्टिविटीज कह सकते हैं हम, या जो भी हम काम करते वक्त उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज या जो क्रियाएं की जाती हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज उनको कहते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की हो सकती हैं। ये वो होती हैं जो हमें, जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है, नगद के रूप में, आय के रूप में कह सकते हैं, या पैसे के रूप में हमें प्राप्त होता है, उसके लिए हम क्रियाएं करते हैं। और कुछ ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं जिससे हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, पैसा मनी हासिल नहीं और धन हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उन क्रियाओं को करते हैं। तो इस तरह से जो मनुष्य की क्रियाएं होती हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, वो होती हैं आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने से संबंधित होती है। इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, और ये भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, मैं आपको आगे चलकर इसके प्रकार बताऊंगा। और इसी तरह से अनार्थिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट अर्निंग मनी, अर्थात जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, और गेटिंग साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन, जिनसे उनको आत्मसंतुष्टि होती है लेकिन धन कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, आप किसी की हेल्प करते हैं, रोड क्रॉस करते बार आप किसी बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा देते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, सेवा का काम करते हैं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिससे आपको आत्मसंतुष्टि तो प्राप्त होती है लेकिन वहां से धन कमाया नहीं जाता है, अर्थात वहां उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम अनार्थिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जहां तक आर्थिक क्रियाओं की बात है, अब धन कैसे कमाया जा सकता है, यहीं से हमारा जो टॉपिक है ये शुरू होता है। अब धन कमाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? आप बोलेंगे जी धन कमाने के लिए हम नौकरी करते हैं, ठीक है, नौकरी कौन सी नौकरी? नौकरी चाहे छोटी हो, एक पीएन के रूप में काम कर रहे हो, चाहे आप एक मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे आप अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं, किसी भी छोटे से लेकर बड़े पद तक आप काम करते हैं, किसी चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, जहां आप अपने सेवाएं प्रदान करते हैं वो सर्विस में आता है और उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन अक्वायर करके एक प्रोफेशन के रूप में, एक पेशेवर लोगों के रूप में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, MBBS करने के बाद वो डॉक्टरी करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है, या कोई व्यक्ति लॉ करता है, लॉ करने के बाद वो कानून की पढ़ाई करके लोगों को न्याय दिलाता है। इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपनी सेवाएं जो है विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे या फर्में या कंपनियां हैं उनका ऑडिट करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोग पेशेवर लोग
अपने जो उसकी कुल की जो योग्यता है उसके आधार पर लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं और वहां से उसके बदले में पैसा कमाते हैं। और नौकरी में भी व्यक्ति आप सेवाएं जब देते हैं तो वहां से आपको वेतन मिलता है या मजदूरी प्राप्त होती है। इसी तरह से आप व्यवसाय में इसी तरह से तीसरा जो जो आर्थिक क्रिया है वो व्यवसाय है। व्यवसाय, अब व्यवसाय क्या है इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा कि बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है। तो ये तीन ही तरीके हैं जिनके जरिए हम कार्य करके पैसा कमा सकते हैं। तो तीन प्रकार हैं इसके, रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ये सारे के सारे लीगल तरीके माने जाते हैं। अर्थात न्याय की दृष्टि में कोई कार्य ऐसा जो पैसा कमाने के लिए, आप बोलेंगे हम तो चोरी करके या जेब काट के भी पैसा कमा रहे हैं तो दैट इज नॉट लीगल, दैट इज इलीगल। तो ऐसे जब आप कार्य करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। तो आपको इन्हीं तीन तरीकों से आपने पैसा कमाना है और कोई भी आप क्रिया करते हैं चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर करते हैं वो सारा का सारा पैसा कमाने के लिए किया जाते हैं, इसीलिए इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नाम देते हैं। तो हम सबसे पहले बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे कि व्हाट इज बिजनेस, क्योंकि बिजनेस बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो आज के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो क्रियाएं हैं जो मनुष्य क्रियाएं करते हैं दो प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं एक अनार्थिक क्रियाएं, और आर्थिक क्रियाएं आगे चलकर तीन प्रकार की होती हैं। इनको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ।